हमीरपुर जिले के मौदहा कस्बे में आज खाना बनाते समय घरेलू सिलेंडर में गैस का रिसाव होने से सिलेंडर में आग लग गई और आग लगने का कारण सिलेंडर फट गया, जिसके चलते घर पर मौजूद एक मासूम सहित चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए। बता दें कि मौदहा कोतवाली क्षेत्र में मराठीपुरा निवासी 56 वर्षीय संगीता देवी सुबह गैस चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी ट्यूब से गैस का रिसाव होने लगा और सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में संगीता समेत पुत्री शैलेश, पुत्र अजय सिंह बुरी तरह झुलस गए। साथ ही इस घटना में घर पर मौजूद 3 वर्षीय मासूम आंशिक रूप से झुलस गई है। वहीं परिजनों की मदद से सभी घायलों को आनन फानन में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सक ने उनकी हालत नाजुक देख प्राथमिक उपचार कर सभी को सदर अस्पताल रेफर कर दिया। हमीरपुर से सतीश कुमार की रिपोर्ट। ये संज्ञान में आया है, एक ही परिवार के चार लोग हैं, जिसमें क्षमा 25 वर्ष की लड़की थी, वो खाना बना रही थी। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर लीक कर रहा था, वो फट गया। जो है फटने की वजह से उनकी माताजी संगीता, भांजी पूर्वी 3 वर्ष की और एक लड़का अजय 35 वर्ष का, ये चारों लोग जली हुई अवस्था में जिला चिकित्सालय पुरुष अस्पताल की इमरजेंसी में आए हैं। ये संज्ञान में आ रहा है। भाजपा मंडल अध्यक्ष के जो है पारिवारिक लोग हैं, जो है इनको भर्ती कर लिया गया है और जो उचित इलाज है वो किया जा रहा है। अगर किसी की हालत गंभीर होती है तो हेलेट कानपुर के लिए रेफर कर दिया जाएगा। बहन भोजन बना रही है। जी जी, सिलेंडर से गैस लीक हो गई, इस वजह से आग लगी।